जी ये मैं मेवा भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हुआ और थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसमें चीनी डाल, ये लड्डू बना लेती हूँ। तो आप अपने व्यूअर्स को बता दें कि आपने मेवे के बाद जो उसे ग्राइंड की हुई चीनी थी जो वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है। हाँ जी, वो अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है सर्दियों के हवाले से, मतलब आप लोग ये बनाएँ और सर्दी को भगाएँ। और आज हम जो बनाना सिखा रहे हैं वो है गूंद के लड्डू। और ये किस तरह बनेंगे, इसके लिए कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पहले है बादाम, चारों मगज़, ये तकरीबन हम वज़न है चीज़ें, और ये है अखरोट, पिस्ता, चीनी, और ये है चावलों का आटा, और जो मेन रेसिपी है वो है ये गूंद। तो हमने इन तमाम तर अज़ा को निकाल कर रख लिया है। और अब ये कैसे बनेंगे गूंद के लड्डू, ये हम जानते हैं मम्मा से। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चावलों का आटा ले लिया, वो अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं जितना आपने बनाना है। ये चीनी है, ये हम ग्राइंडर करेंगे, बारीक पीसेंगे। ये देसी घी में ना आटा भूनेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद ये सारे ना ये डाल देंगे, लहरा भी आप भून सकते हैं, ये सारे मेवे मतलब कट्ठे भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये गोंद है ना वो घी में ना तलेंगे, वो फूल जाएगी, फिर उसे कूट के ना वो डालेंगे, फिर ये चीनी ग्राइंड करके वो डालेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो फिर ये भून के ना फिर छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे, वो आपको हम दिखाते हैं फिर बाद में। तो आज की रेसिपी है ये बनाओ सर्दी भगाओ। हाँ, और हम लोग गूंद के लड्डू बनाने जा रहे हैं, अब इस रेसिपी को शुरू करते हैं। घी में ना भूनेंगे फिर इसे। तो देखिए माशाल्लाह, तमाम तो चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं, और क्योंकि सर्दियां हैं सारे ही मेवे जात जो से हैं वो सब घरों में मौजूद होते हैं, तो आप लोग बआसानी इनको बना सकते हैं क्योंकि हर घर में मेवे आए हुए हैं और सर्दियों की वजह से आप लोग नट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको हम लोग ये रेसिपी सिखा दें ताकि आप लोग को ईजी भी हो जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि नट्स वगैरह हम लोग खाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है हड्डियों के लिए। और मतलब जिन लोगों को अक्सर सर्दियों में ये शिकायत होती है जोड़ों के दर्द की, और उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो आप लोग इसको बनाएं और हमें दवाएं दें। देसी घी है घर का बनाया हुआ। अब ये मैं बादाम मोटे मोटे कूट ले हैं, पिस्ता है इसमें, तो ये चारों मगज़ हैं, ये मैं ना डाल के ना रोस्ट करने लगी हूँ। माशाल्लाह वैसे देसी घी की खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। हाँ जी, इसको हल्का हल्का सा ना रोस्ट करना है, इसे हल्की आँच पे। तो आज सर्दी की सुबह सर्दी की जो स्पेशल रेसिपी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गूंद के लड्डू। तो आप लोग इसको सर्दियों में बनाएं और अपनी जौन सी है सर्दी को भगाएं, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छे है आपकी सेहत के लिए और सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स घर में मौजूद होते हैं और आप लोग उनको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि मतलब आप इस तरह लड्डू बना के तो हर चीज़ यानी कि आपको एक ही वक्त में सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हेल्दी हैं और मतलब सर्दियों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इसको हम लोगों ने मम्मा कितना हल्का सा रोस्ट करना है। हाँ जी बेटा, हल्का सा रोस्ट करना है देसी घी में, मैंने ज़्यादा नहीं घी डाला। अगर किसी के पास देसी घी ना हो तो मतलब वो जो भी अवेलेबल होगी। हाँ मतलब डाल दे में डाल पर ये देसी घी ज़्यादा ताकतवर होगा ये, है ना। सही, मतलब हमारे पास था तो हमारा तो मलाई का हम लोग उतार लेते ना। ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती ये जो हम लोगों की रेसिपी आपके साथ शेयर करें, तो व्यूअर्स आप लोगों ने उसको जरूर ट्राई करना है। अपनी फीडबैक के लिए कि ये जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें कैसी लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसको रोस्ट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए मैंने गोंद डाली, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो पहले जो सा मेवा है वो हम अपने व्यूअर्स को बता देंगे, हमें रोस्ट करके वो निकाल लीजिए। हाँ जी, वो पड़ा है वो दिखा दो। अच्छा, ये देखिए ये पड़ा हुआ है वो मेवा जो हमने रोस्ट करके निकाल लिया, और अब मम्मा ने हाँ जी ये फूलनी शुरू हो गई। ये गोंद है ना ये ऐसे फूलती है, ये देखिए। हाँ मतलब एक दफ़ा अपने ज़रा हाथ पर लेकर दिखाएंगे आप, ये पर चले मेरा निकाल लें आप। नहीं फिर निकाल बेटा, फिर गर्म है ना, कैसे निकाल के दिखा दें आप। नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, ये हाथ पे नहीं निकाली, तो वैसे मतलब रॉ फॉर्म में। हाँ जी, ये देखिए फूल गई, अब मैं निकालती हूँ इसे। ये आपको वो ना वो दुकानदार के से मिल जाएगी, पंसारी से, हाँ जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। हाँ जी, ये देखिए
और ये भी हम देसी घी में ही बना रहे हैं। जब फूलने शुरू हो गए ये देखिए फूल रहे हैं, इसे कहते हैं गोंद के लड्डू। गोंद कदीरा, गोंद नहीं ये वो भी तो गोंद कदीरा कदीरा। हाँ वो भी चीज़ ये कि कोई और है, ये वो सिर्फ गोंद है। ये तो वही है, ये मुझे इतना नहीं पता। ये देखिए ना फूल गई है, इसे मैं कूट के ना डालूंगी। ये कहते हैं गोंडे गिट्टे के लिए कमर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो सी गोंद वो हम लोगों ने सारी फ्राई कर ली है, देसी घी में हम लोगों ने इसको फ्राई किया है, ठीक है। और अब इसको हल्का सा मतलब किसी बर्तन से आप लोगों ने दबाना है, मतलब तोड़ना है, तो हम इस बर्तन की मदद से इसको थोड़ा सा मतलब प्रेस करेंगे, दबाएंगे और फिर इसको जो मतलब बिल्कुल ये जो पूरे पूरे से है ना इतना नहीं, मतलब हम लोगों ने इसको पीस को छोटा करना है, ठीक है। तो इसको छोटा करना है हम लोगों ने, तो इसकी मदद से बर्तन की मदद से हम लोग इसको तोड़ते हैं और फिर आपको बाकी दिखाते हैं। ये देखिए मैंने आटा डाल दिया, तकरीबन 2-2.5 किलो आटा। बाकी आपने जितना बनाना है मतलब मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपने किलो का बनाना है 2 का 3 का, डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आपने इसको कितना यूज़ करना है। तो हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि मतलब 2 से 2.5 किलो कौन सा है मतलब के जी वो यूज़ किया। अब अच्छी तरह ना इसे भूनना है हमने हल्की आंच पे, भूनना भी मतलब घी में है इसको, देसी घी या जो भी। हाँ ये देखे ना देसी घी है वो मिक्स हो ना, ये देखे साथ ही वो ना हो गया डाला ना मैंने, मिक्स हो जाएगा पिघलेगा ना वो, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लिया है और मैंने मतलब हाथ की मदद से ही इसको जो सा क्रश किया है और ग्राइंडर में इसको नहीं किया, तो मतलब आप लोग इसको लुक देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर मोटा होगा तो वो मुंह में आता अच्छा भी लगेगा और इतना सा मतलब छोटा छोटा सा जो सा इसका वो पीस है वो ठीक है। और बाकी ये जो सा मेवा है ये भी हम लोगों ने जो सा है वो रोस्ट किया हुआ है देसी घी में, अब इसको भी हम इसके शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेवा सिर्फ हम लोगों ने रोस्ट किया है और इसके अलावा हम लोगों ने इसको मतलब जो है वो क्रश नहीं किया, क्योंकि फिर वो आता हुआ मतलब अच्छा लगेगा मुंह में और नज़र भी आएगा। और हम लोगों ने जो सी ये चीनी ये भी ग्राइंड कर ली है और ये मेवा इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको मिक्स कर लिया लेकिन ग्राइंड नहीं किया ताकि वो जो लड्डुओं के अंदर वो मेवा हमारा नज़र आए तो वो अच्छा लगेगा दिखने में। जी ये मैं ना भून रही हूँ हल्की आँच पे, माशाल्लाह खुशबू तो होने लग गई है। तो आप सूजी में भी बना सकते हैं आटे की जगह, नहीं वो पंजीरी बनाते हैं ना जब अल्लाह ताला बच्चे देते हैं, हाँ तो वो पंजीरी भी बना लेते हैं ना, तो पंजीरी तो वो कई लोग सूजी की बनाते हैं ना पंजीरी, उसमें भी मेवे काफ़ी डालते हैं, ठीक है। तो ये वही आटा जो हमने आपके सामने मतलब बर्तन के डाला था, तो इसका कलर चेंज हो गया, इसको रोस्ट कर लिया हम लोगों ने और अभी मज़ीद थोड़ा देर इसको थोड़ी देर और इसको इसे लड्डू बना लेंगे ना, तो आप एक लड्डू रोज खाएँ इंशाल्लाह बड़े ताकतवर होते हैं ये लड्डू, मतलब कमर दर्द और से काफी। हाँ जी मेवा काफ़ी है, हाँ जी ये है तोड़। हाँ अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, मैंने कहा चले ये बच्चे खा लेंगे तो फिर बाद में और बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया रेसिपी के सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आप लोग ताकि जल्दी से इसको बना लें क्योंकि आगे सर्दियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन अभी तो मतलब नहीं अभी तो काफ़ी सर्दी होनी शुरू हो गई है, अब तो कम्बल हल्का सा कम्बल लेना पड़ता है। हाँ हल्का सा मतलब है, हाँ पंखा कभी चलाओ कभी नहीं चलाना पड़ता पंखा, पंखे भी बंद हो दिन में तो भी धूप ही निकली होती है, रात में थोड़ा सा होता है कि मौसम चेंज हो जाता है। हाँ जी ठीक है, तो इसको भूनते फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है, इसको मैं मज़ीद और भून लेती हूँ, भूना भी जा रहा है क्योंकि आटा कच्चा ना रहे, हम इस चीज़ को मतलब अच्छे से तरह से मज़ेदार रखते हुए इसको भूनना है, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद और भूनते फिर आपको फर्दर दिखाते हैं कि जो से गूंद के लड्डू हैं वो कैसे तैयार हो। मैं मेवा भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हुआ और थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसमें चीनी डालते हैं ग्राइंड की भी, क्योंकि गर्म में डालनी वो सही नहीं रहेगी ना, अभी शीरा से मतलब गर्म में डालना वो सही नहीं रहेगा। इसे हम लोगों ने अभी मेवा डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो ग्राइंड की हुई चीनी है वो उसके अंदर शामिल करते हैं। अभी गर्म में ना तो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ना मैं ना ये लड्डू बना लेती हूँ,
आप अपने व्यूअर्स को बता दें कि आपने मेवे के बाद जो उसे ग्राइंड की हुई चीनी थी जो वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है। हाँ जी, वो अपनी मर्जी से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। नहीं तो कोई मतलब आइडिया दे, अगर मतलब 2 किलो आटा तो 1 kg मतलब 1 किलो चीनी डालनी है उसमें, क्या मतलब कुछ आइडिया दे देना, वो फिर कम ज्यादा, क्योंकि आजकल चीनी में मिठास भी नहीं है और वैसे भी टीवी पर पहले ना आप ना 1 किलो डाल लें, कह रहे अगर 2 किलो आटा है ना आप 1 किलो डाल लो, ठीक है, तो फिर अगर कम लगे चीनी पे है ना मीठे पे, मिठास पे के हाँ, कितनी कम अगर है, कम लगे, कई लोग मीठा कम खाते हैं कई लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, फिर उसके हिसाब से आप चेक कर लें। अब इसमें चेक कर लें ना आप तो उसके हिसाब से बस बना लें। तो इसको मतलब बाद में बनाने के बाद फ्रिज में रखना है कि रूम टेम्परेचर पे रखना है? नहीं डब्बे में डाल के ना आप बाहर रख ले, जब वही रूम टेम्परेचर पे रखना है ना, फ्रिज में रखना इसको, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के फिर ये सेटल हो जाएंगे और फिर जम भी जाएंगे, थोड़ा टाइट हो जाएंगे, मतलब अभी तो ये थोड़ा सा है ना। ठीक है व्यूअर्स, फिर इसको बना लेते हैं बाकी सब लड्डुओं को भी और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से गूंद के लड्डू वो हो गए हैं तैयार, और ये देखिए जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजरे बस से बजाए हैं, और आप लोग भी इसको बनाए और हमें अपनी फीडबैक दें। तो एक दफ़ा हम मम्मा से भी जान लेते कौन कौन से मेवे डाले हैं इसके अंदर, आप मम्मा ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर दें। बादाम, ठीक है, पिस्ता, चारों मगज, गोंद, वो तो मेन है, और मतलब आटा, आटा, पिस्ता, बादाम, देसी घी, हाँ सब कुछ हो गया। ठीक है, तो सर्दी भगाने का बहुत ही जबरदस्त है जो सा तरीका है ये गूंद के लड्डू। हाँ, अखरोट भी डाले हैं, अखरोट भी डाले हैं, बादाम भी है, पिस्ता भी, चारों मगज भी है, मतलब जितने भी मेवे हैं सारे हम लोगों ने डाले हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने इसको बनाना है और बना के आप उसको प्रिजर्व कर लें, और मतलब डेली बेसिस पे या मतलब जब आपका दिल करे मीठा खाने को तो बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग इसको बनाकर इस्तेमाल करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि ये जो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है ये आपको कैसी लगी है, और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है, जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की आज, बहुत मेहनत की है, हमें इसका सिला मिलना चाहिए, और हमें इस चीज़ का सिला ऐसे मिलेगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को वायरल कर दें, बहुत ज़्यादा वायरल कर दें, अपनी कम्युनिटी पे लगाएं, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें, इतना फैला दें क्योंकि वो नाज़रीन फेमस हो जाए। कहाँ करना आप लोगों ने ऐसा, इतना टाइम हो गया हमें करते हुए, सुनते ही नहीं हैं आप लोग, वीडियोस देख के निकल जाते हैं, ना शेयर करते हैं ना आप लोग सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट करने वाले वो करते हैं बाकी लोग करते नहीं, चले बाकी सब लोग भी करें हमें सपोर्ट, और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो व्यूअर्स आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, अब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह हाफिज़।